बीजेपी की ओर से संजय गांधी निराधार श्रावण बाल योजना से लाभार्थियों को होने वाले अन्याय के विरोध में 22 अक्टूबर को मोर्चा किया जाएगा। राज्य सरकार के विशेष सहायता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संजय गांधी निराधार एवं श्रावण बाल योजना के हितग्राहियों को अनुदान राशि का वितरण नहीं किया जा रहा है। गरीब और निराश्रित लाभार्थियों के मामलों को गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर उनका अनुदान बंद किया जा रहा है। राज्य सरकार के गरीब बेसहारा लाभार्थियों पर अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 22 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे संविधान चौक से कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगी। इस मोर्चे में हजारों वंचित लाभार्थी शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कार्यालय के दौरान संजय गांधी निराधार और श्रवण बाल योजना के लाभार्थियों को अनुदान का आवंटन हो रहा था। इतना ही नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निराश्रित लाभार्थियों के लिए अनुदान राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी थी। संजय गांधी निराधार और श्रवण बल योजना गरीबों, बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों, विकलांगों, पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों, तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं और तीसरे पक्ष को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में गरीब और निराश्रित व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। 22 तारखेला योग्य लाभार्थ्यांना जो त्रास होतो आहे तो त्रास लक्षात घेऊन आपण एक मोर्चा कलेक्टर ऑफिसवर काढणार आहोत। संविधान चौक ते कलेक्टर ऑफिस, ज्यात दिव्यांग लाभार्थी असतील, ज्यात निराधार महिला असतील किंवा श्रावणबाळ आणि संजय गांधी निराधार योजनेत जे जे योग्य लाभार्थी आहेत पण ज्यांना त्रास होतो आहे किंवा या सरकारने उशिरा समित्या नेमल्यामुळे किंवा तहसीलदारांना अधिकार दिल्यामुळे ज्या योग्य लोकांचं आजपर्यंत काम झालं नाही असे सर्व लोक त्या मोर्चात असतील। या मोर्चाचे नागपूरचे प्रमुख म्हणून आमचे नगरसेवक माननीय संजय बालपांडे या मोर्चाकडे लक्ष देणार आहेत। संपूर्ण भाजप या मोर्चाकरता या सर्व लाभार्थ्यांना भेटून त्यांच्या काय अडचणी आहेत, योग्य लाभार्थ्यांना भेटून त्यांच्या काय अडचणी आहेत समजावून घेऊन आजपर्यंत आम्ही निवेदनाच्या माध्यमातून 1 नव्हे 2 नव्हे 3 नव्हे 4 4 5 5 10 माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना भेटलो आहे पण त्यानंतरही याच्यावर कुठलीही कारवाई न झाल्यामुळे आता आमच्यावर या सर्व योग्य लाभार्थ्यांना घेऊन मोर्चा काढण्याची पाळी आली आहे। राज्य सरकार के इस अन्याय के कारण पिछले 5 से 6 वर्षों में नागपुर शहर में लगभग 50,000 गरीब जरूरतमंद लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। नियमित अनुदान राशि का वितरण महीनों से ठप है। साथ ही हजारों पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों को बिना किसी वैध कारण के अयोग्य ठहराया जा रहा है और राज्य सरकार उनके अनुदान को स्थायी रूप से रोकने की साजिश कर रही है। राज्य सरकार ने हर साल आय का प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र जमा करने की सख्त आवश्यकता लगाई है। यह महाविकास अघाड़ी सरकार गरीबों और जरूरतमंद लाभार्थियों के खिलाफ साजिश करके उनके साथ अन्याय कर रही है। भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटकी और प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुए के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक बयान जारी किया गया, लेकिन आज तक जरूरतमंद गरीब हितग्राहियों को उनका हक तक नहीं मिला है और राज्य सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।